नमस्कार। इस वीडियो में हम इस तथ्य का खंडन मंडन देखेंगे कि मस्तखर वंश की शराब के विषय में सोच कैसी है। अपने ही एक मस्तखर वंशी महापशु के बारे में एक मस्तखर वंशी विद्वान का बोध उसे ये दर्शाता है कि वो महापशु मदिरा के नाम से ही ऐसे भागता था जैसे पूंछ के 2 इंच नीचे पेट्रोल भरी रुई दबाने पर कुत्ता भागता है। अली ये है, अली मुर्तजा फरमाने शराब दा कतरा डवे खूह विच, फिर खूह दा पानी लगे फसल नू मकई नू, फिर मकई खावे बकरी, फिर बकरी देवे दूध, अली उस बकरी दा दूध पीने वास्ते भी तैयार हुए। ये है अली मुर्तजा। लेकिन दूसरा मस्तखरवादी विद्वान इन दावों की पोल खोलते हुए दावा करता है कि वो महापशु तो फुल पार्टी मोड में रहता था और जश्न मनाने का अंदाज कुछ ऐसा होता था कि सभी लाठी और दुग्गियां एकत्रित होकर पहले शराब के नशे में पशुता के सर्वोत्तम शिखर पर पहुंचते थे और फिर उन्मुक्त होकर मस्तखर द्वारा प्रतिपादित लाठी दुग्गी चुन्नत को पूरा करने के घनघोर प्रयासों में लीन हो जाते थे और यहाँ तक कि वो आसमानी शास्त्र की 5 प्रमुख लाइनों को भी कभी कभी भूल जाते थे। अब एक ही महापशु एक ही समय में 2 विपरीत आचरण कैसे रख सकता है, यह समझने के प्रयास हम निरंतर करते रहेंगे। एक वाकया हदीस में उस आयत के पस मंजर में बयान हुआ कि हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दावत की, सहाबा उसमें आए, हजरत अली भी आए रजी अल्लाह तआला। वहां उन्होंने खाना पेश किया, शराब भी पेश की, खूब खाया पिया। वहां उन्होंने खाना पेश किया, शराब भी पेश की, खूब खाया पिया। आगे बढ़ने से पहले यहाँ कुछ पल रुककर एक चीज साक्षात समझ सकते हैं कि जब हर मस्तखरवंशी वही आचरण करता है जो उसके 1400 साल पुरानी पीढ़ी के महापशु करते थे तो पार्टी भी 1400 साल पहले, अगर 1920 भी मान लें तो उसी अंदाज में होती होगी जैसे मस्तखरवंशी आज के दिन करते हैं। उदाहरण के लिए देखना चाहें तो आज के मस्तखरवंशियों की पार्टी देखें। आज पता लग दे कौन निभी दे यारी प्यारी दियो, आज पता लग दे, आज पता लग दे, आज पता लग दे कौन चढ़ी दा तोड़े तू या मैं, आज पता लग दे, आज पता लग दे। पार्टी की व्यवस्थाओं को कल्पना के माध्यम से समझने का प्रयास करने के बाद अब वापस अधूरी कहानी पर चलते हैं। नमाज मगरिब का वक्त आ गया, लोगों ने हजरत अली को आगे कर दिया, आप नमाज पढ़ाएं। तो हजरत अली ने उसमें सूरह काफिरून जो है वो गलत पढ़ दी, उस पर यह आयत उतरी। अब ये वाकया मैंने उस दर्स में कहीं नकल किया, इस पर एक तूफान उठा, पहले कराची में, फिर इस्लामाबाद में, फिर मेरे खिलाफ मुजाहरा भी हुआ कराची में और बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और बड़ी गलीज जो है गालियां भी टेलीफोन पर आ रही हैं, धमकियां भी हर तरह की आ रही है वगैरह वगैरह, तूफान जो है उठा दिया। ये शराब हराम है? हाँ, इसमें कुछ फवाइद भी हैं। अभी अखबार में आया है कि शराब में कोई जुज ऐसा है जो हार्ट अटैक को रोकता है। ठीक है, मैंने कहा कि ये तो कुरान मजीद की तस्दीक ही हो रही है ना। कुरान मजीद ने कहा फी हिमा इस्मुन कबीरुन व मुनाफिउ लिन्नास, शराब में और जुए में कुछ लोगों के लिए फायदे भी हैं। इनके गालिबन इनके पीए हैं या बॉडीगार्ड हैं, मुझे नहीं पता कौन है, मेरे ख्याल में बॉडीगार्ड लगते हैं, वो शायद इनको सहारा भी दे रहे हैं या पीए हैं, पता नहीं। लाला जी 70% इकॉनमी पाकिस्तान की देख रहे हैं।
अब हमें क्या मतलब है किसी के पूर्वज महापशु ने पी थी या नहीं पी थी। लड़ते रहो, झगड़ते रहो और अपना तय करते रहो पी थी या नहीं पी थी। लेकिन असल हालात ये है कि मस्तखरवादी होने का दावा करने वाले रेवड़वासी रोज कुछ पैग लगाकर ही शाम को दुग्गी तिग्गी के मनोरंजन का आनंद उठाते हैं और इसका जीता जागता सबूत खुद पाकिस्तानी पुलिस आपको देगी। ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के इस एहलकार ने तो ना सिर्फ अपनी सफेद वर्दी को दागदार कर दिया बल्कि कराची पुलिस अफसरान की इंतजामी अहलियत का भी पोल खोल दिया है। आइए आपको दिखाते हैं। घोड़ी जो पीली है चोरी तो नहीं की है। जमीन पर चारों खाने चित पड़े ये मौसूफ ट्रैफिक पुलिस के फर्श शनास एहलकार हैं। नाम है इनका अल्ताफ सुमरो। लगता है शायद साहब को किसी ने नजराने में बोतल थमा दी। ठंडी ठंडी हवा ने नशे का मजा दुबाला क्या किया, साहब शहर के मसरूफ तरीन इलाके सदर के फुटपाथ पर ही लेट कर महवे इस्तराहत हो गए हैं। पूछा क्या हुआ तो चंद अल्फाज ही बोलकर दोबारा टुन हो गए। मनचलों ने कहा कि DSP आ गए हैं तो शान बेनियाजी से उनकी शान में वो गुस्ताखी की जिसे सुनाना मुमकिन नहीं। अरे भाई कुछ तो होश करो। लेकिन लगता है ये जनाब अब तो सुबह ही की खबर लाएंगे। घोड़ी जो पीली है चोरी तो नहीं की है। इसने तो कुछ ज्यादा पी ली है इसलिए एक और पुलिस वाले की हरकत देखते हैं। पंजाब पुलिस का शेर जवान आधी बोतल पर बिक गया। पुलिस एहलकार शहरी से शराब बरामद करने के बाद अपना हिस्सा लेकर खामोश हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज में पुलिस एहलकार मजाक बन गया। अगर आप मनुष्यात के साथ पकड़े जाएं तो पंजाब पुलिस आपका ये हाल करेगी। फुटेज में ही देख लें। ये फुटेज आप मुलायजा कर सकते हैं जहां पर एक शहरी को रोका गया। क्रैकडाउन कहा जा रहा है कि मनुष्यात के खिलाफ पंजाब में किया जा रहा है। तो इस शहरी से एक शराब की ये बोतल बरामद हुई जिसके बाद पुलिस एहलकार ने उस बोतल में से आधा अपना हिस्सा लिया और बाकी इस शहरी को वापस। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ रेवड़वासी नर इस दिव्य द्रव्य के प्यासे हैं तो ये आपकी भूल है। इसलिए आपको दो ऐसी दुग्गियां देख लेनी चाहिए जो अपनी हरकतों से ये पूर्ण रूप से सिद्ध कर देंगी कि रेवड़वासी मादाएं नीच मूर्ति लुच्चेश्वर महाजाहिल 786 मस्तखर रहमत उल्लू वाले की आसमानी शिक्षाओं को अपनी दुग्गी का बाल भी नहीं समझती। इस सारी चर्चा ने ये बात तो सिद्ध कर दी कि अपने आप को दुनिया के सामने मस्तखरवंशी बताकर मस्तखर के नाम पर मरने मारने का दावा करने वाले निजी जीवन में मस्तखर की ही बातों को अपनी शर्मगाह के बाल से ज्यादा महत्व नहीं देते और फिर उसके बाद मनुष्यों से ये भी कहते हैं कि नीच मस्तखर को भी इज्जत दो। मस्तखर संबंधी इसी तरह की जाहिलता के नशे में झूमती हुई किंतु मनोरंजक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप अपने इस चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको राम राम।